द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ए ओपन आर्गन पाइप. चलो ओपन आर्गन पाइप एक हम लोग बना लेते हैं, ऐसा पाइप जो दोनों साइड ओपन हो, इसको हम बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप. ओपन आर्गन पाइप में सेकेंड ओवरटोन, ये बात आपको ध्यान देना है कि ओपन आर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं. तो ये जीरो ओवरटोन, ये जीरो ओवरटोन ओवरटोन्स, ये फर्स्ट ओवरटोन और ये सेकेंड ओवरटोन और ये थर्ड ओवरटोन. ये मैं आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, थर्ड ओवरटोन, ठीक है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ. कहता है सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप. तो ओपन आर्गन पाइप जो होता है ये, तो यहाँ एक नोड बना, तो बेसिकली जो एक नोड है वो हमें कुछ ऐसा बनेगा. एक नोड यहाँ आ जाएगा, तो एक नोड के लिए इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास दो नोड आ जाएंगे और कुछ ऐसा, यहाँ पे हमारे पास तीन नोड आ जाएंगे ठीक है, ये क्लियर है. यहाँ पे हमारे पास चार नोड आ जाएंगे. ये आपको पता है कि यहाँ पे ऑलवेज एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर ऑलवेज एंटी नोड बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा. यहाँ पर एक नोड बना, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड बना और यहाँ पर एंटी नोड ऑलवेज बनेगा, बिकॉज यहाँ पे ओपन एंड है. ओपन एंड पे ऑलवेज एंटी नोड बनेगा बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स हाईली एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे. अब इसमें है सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन ये वाला, इसमें देखो सेकेंड ओवरटोन तीन नोड बन गया यार, एक नोड 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 एंटी नोड एंड एंटी नोड, ये सारी हमें मिल गई. अब बेसिकली अब ये तो रहा हमारे पास किसकी कहानी, ओपन की. अब बात करो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप. क्लोज आर्गन पाइप भी बना लो. चलो तो ये रहा हम लोग का क्लोज्ड आर्गन पाइप, ये जीरो ओवरटोन और ये फर्स्ट ओवरटोन. तो जीरो ओवरटोन क्लोज्ड आर्गन पाइप में कुछ ऐसा दिखता है हमें, ए यहां पर कुछ ऐसा, ये है जीरो ओवरटोन और ये फर्स्ट ओवरटोन में दो नोड बन जाएगा. यहां कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे कुछ, ये क्लोज है दोनों साइड, एक साइड से बंद है एक साइड से ओपन है. तो ये आ जाएगा हम लोगों का फर्स्ट ओवरटोन. अब आपको समझना है, मैं स्लो समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए यार. अब कंडीशन अप्लाई कर दो कि इस जो क्लोज आर्गन पाइप है उसकी लेंथ एल है और यहाँ नोड बना और यहाँ नोड हमेशा बनेगा यहाँ और यहाँ ऑलवेज एंटी नोड बनेगा. तो ये जो नोड है दो नोड के बीच की डिस्टेंस वो लैम्डा बाई टू और एक नोड और एक एंटी नोड लैम्डा बाई फोर. तो कैपिटल एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, दैट इज थ्री लैम्डा बाई फोर. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे ही रहने दो. अब बात करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. तो फ्रीक्वेंसी किस किस कंडीशन में सेम है, देखो सेकेंड ओवरटोन ओपन वाले का और सेकेंड ओवरटोन ये जो हम ए वाला बनाए थे सेकेंड ओवरटोन ओपन वाले का और फर्स्ट ओवरटोन क्लोज वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है. तो लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, इसकी हमें लेंथ निकालनी है. तो चलो एक काम करते हैं कि इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये नोड और ये यहाँ से ये लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई फोर. तो यहाँ से जो लेंथ आ जाएगा वह जाएगा लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू. बस मैं आपको लिखने के, मतलब आप ओरली भी इसको कर सकते हो. तो ये आ जाएगा टू लैम्डा बाई फोर और प्लस टू लैम्डा बाई टू. तो फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा और ये टू, मतलब लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा, मतलब ये आ जाएगा थ्री लैम्डा बाई टू. दिस इज द लेंथ, एक्चुअल लेंथ ये आ गया. अब यहाँ से लैम्डा उठा के यहाँ रख दोगे तो मुझे स्मॉल एल की वैल्यू कैपिटल एल के टर्म में पता चल जाएगा, या यहाँ से लैम्डा उठा के लेके आओ तो यहाँ से लैम्डा टू स्मॉल एल अपॉन थ्री के इक्वल आ जाएगा.
इसको उठा के यहाँ रख दो तो कैपिटल एल की वैल्यू 3/4 और यहाँ से लैम्डा में लाया कितना लैम्डा 2L/3 तो 3 ने 3 को कट गया और ये 2 मतलब स्मॉल एल की वैल्यू 2 कैपिटल एल के इक्वल आ जाएगी जो कि हमने पूछा था। क्या पूछा था जो ओपन वाला था उसकी हमें लेंथ पूछा था कैपिटल एल के टर्म में। तो फाइनली जो सोल्यूशन है दैट इज बी ऑप्शन हम लोग का सही है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए ये थी।